ये गाना जब भी 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी हर एक गलियों में, क्लबों में, गांव से स्कूल कॉलेज जहाँ भी सुनो ये गाना चलता ही है। और आज फिर 27 साल बाद सानी पाजी अपना लाइफ का सबसे बड़ा फिल्म लेके आ रहा है बॉर्डर 2। 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा, उसी वादे को पूरा करने हिंदुस्तान की मिट्टी को अपना सलाम कहने आ रहा है फिर से। अब देखो, हो सकता है तुम में से बहुत लोग बॉर्डर फिल्म नहीं देखे होंगे क्योंकि इसका पिक्चर क्वालिटी 4K में नहीं है, बड़े बड़े गाना है और इसमें आजकल का जो मूवी है ना उसके तरह मसाला नहीं है। पर दोस्तों ये फिल्म इंडिया का एक ऐसे रिकॉर्ड को पकड़ के रखा है ना जो आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। तुम जानते हो सिर्फ 120 जवान मिलकर हमारा इंडिया को बचाया था, वो भी ऐसे दरिंदी पाकिस्तान वालों से। हाँ, ये मूवी 1971 की वैर के बारे में, जहाँ पर राजस्थान के लोंगेवाला में सिर्फ और सिर्फ इंडिया के 120 जवान मिलके पाकिस्तान का पूरा फौज को मार भगाया था, जिसमें उन लोगों के पास पूरा आर्मी का ग्रुप था, टैंक था, बड़े बड़े मशीन गन था, पर इंडियन आर्मी हर एक को भगा भगा के मारा था। और अगर विश्वास नहीं होता तो मूवी नहीं हिस्ट्री पढ़ लेना, जान जाओगे। देखो भाई, जो फिल्म आज से 27 साल पहले रिलीज होकर भी इंडिया का सबसे बड़ा वैर फिल्म का खिताब अपने नाम करके रखा है तो समझ जाओ उसमें क्या दम था और इसका पार्ट कैसे होना चाहिए। पर उस फिल्म का जो किरदार था वो तो अब इस फिल्म में नहीं आने वाला क्योंकि सानी पाजी और जैकी श्रॉफ छोड़ के तो बाकी सब शहीद हो गए थे। और इसीलिए न्यू कास्ट लिया जा रहा है जिसमें सानी देओल, वरुण धवन, आयुष्मान खुराना अभी तक कंफर्म हुआ है। और सच कहे तो ऐसे थोड़ा डाउट भी हो रहा है, एक फौजी जवान आर्मी जैसे कैरेक्टर में वरुण धवन ठीक जमा नहीं। इसके बदले अगर विकी कौशल, विद्युत जमाल और जो हाल ही में किल मूवी किया था ना बंदा, वो अगर होता तो जम जाता। पर ये सब तो ठीक है, लेकिन फिल्म में कहानी क्या होगा? फर्स्ट पार्ट तो 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर के बारे में बनाया था, अब 27 साल बाद क्या वही कहानी होगा, क्या लगता है तुमको? क्योंकि देखो ये फिल्म 23 जनवरी 2026 को आने वाला है और अगर नया नया बंदे को लेके पुराना कहानी दिखाया जाएगा तो फिल्म पूरा फ्लॉप जाएगा। पर सानी पाजी का लास्ट फिल्म गदर 2 ने जैसे 500 करोड़ कमाया था ना, उसको देख के नहीं लगता ये फिल्म फ्लॉप जाएगा। गदर एक नॉस्टैल्जिया, हमारा देशभक्ति, वो हैंडपंप उखाड़ने वाला सीन सबको रिफ्रेश कर दिया था। और बॉर्डर 2 तो है ऐसी ही कहानी के ऊपर। तो देखो दोस्तों, कहानी इसमें दो टाइप के हो सकता है। नंबर 1, 1997 में जो वायर हुआ था ना उसका आगे का कहानी दिखाया जाएगा जिसमें ये सब नया कैरेक्टर सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना इन लोगों का बेटा हो सकता है और मेजर कुलदीप सिंह अब आर्मी का जनरल होगा। जिसके बाद 1999 की कारगिल के वायर की कहानी दिखा सकता है जहाँ पर इंडिया से फिर पाकिस्तान भीड़ जाता है और फिर से हार मान के वापस जाता है। और दूसरी तरफ जो फिल्म 1997 में आया था वो 1971 की वायर का कहानी दिखाया था, पर उसमें जो कहानी का बैक साइड था वो नहीं दिखाया था। मतलब देखो, फौजी तो था पर हर एक का पर्सनल लाइफ भी था जिसमें उसका घर परिवार, बीवी बच्चे वो सब दिखाएगा और बड़े होके आर्मी में जाके अपने बाप की तरह देश को रक्षा करेगा। हिंदुस्तान का फौजी हूँ मैं, दुश्मन की हर गोली से जय हिंद बोल कर टकराता हूँ, जब धरती माँ बुलाती है सब छोड़ कर आता हूँ। पर अगर कुछ रिपोर्ट के हिसाब से देखो ना तो उस फिल्म में उसी वायर का दूसरे साइड दिखाया जाएगा जिसको तब वो लोग मिस कर दिया था। देखो दोस्तों, होने से तो कुछ भी हो सकता है, पर अब जब ये फिल्म का टीजर ट्रेलर आएगा तभी इसके बारे में पता चलेगा, लेकिन उसको आने के लिए भी 6 महीना इंतजार करना होगा। खैर, तुम्हें क्या लगता है कौन सा कहानी सच हो सकता है, नंबर 1 या फिर नंबर 2, नीचे कमेंट में बताना। और ये अनाउंसमेंट वीडियो में सिर्फ वरुण धवन का ही डायलॉग दिया गया है जैसे कि पहला अनाउंसमेंट में सानी पाजी का था। 27 साल पहले एक फौजी ने वादा किया था कि वो वापस आएगा। The war is on. तो तुमको अगर बॉर्डर फिल्म के बारे में जानना है तो हमें बताना, कैसे 120 जवान मिलके पाकिस्तानी फौज को नानी हाथ दिला दिया था वो बताएंगे तुमको। खैर, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक के साथ, कुछ एक नया मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।